नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 70 Turbo वर्सेस Realme P2 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 70 टर्बो में 6.37 इंच जबकि P2 Pro में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो 70 टर्बो में 2.94 इंच जबकि P2 Pro में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 70 टर्बो से कम है। बात करें थिकनेस की तो 70 टर्बो में 0.3 इंच जबकि P2 Pro में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 70 टर्बो से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 70 टर्बो में 185 ग्राम जबकि P2 Pro में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 70 टर्बो में OLED जबकि P2 Pro में OLED कर्व डिस्प्ले की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 70 टर्बो में 6.67 इंचेस जबकि P2 Pro में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 70 टर्बो में 1080x2400px FHD+ और P2 Pro में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 70 टर्बो में 88.92% जबकि P2 Pro में 90.89% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 70 टर्बो में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि P2 Pro में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 70 टर्बो में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और P2 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 70 टर्बो में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और P2 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 70 टर्बो में माली G615MC2 जबकि P2 Pro में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 70 टर्बो में MediaTek Dimensity 7300 Energy और P2 Pro में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो 70 टर्बो में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 12GB की RAM मिलती है, जबकि P2 Pro में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 70 टर्बो में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि P2 Pro में 3 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB 512GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 70 टर्बो में अप टू 1TB जबकि P2 Pro में नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी 70 टर्बो में 5000 mAh जबकि P2 Pro में 5200 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 70 टर्बो में 3 कलर्स जबकि P2 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 70 टर्बो में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें P2 Pro की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme Narzo 70 Turbo में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करिए Realme P2 Pro की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Oppo K12X 5G है, तीसरा Realme Narzo N65 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Camon 35G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।